हमारे आज के जो मंत्री जी हैं वीके सिंह जी, उन्होंने जाकर के बात सुनी लोगों की, कहां मुंह छुपा करके बैठे हुए थे उस समय आपके नेता, आप ये जवाब दीजिए हमें। मुझे क्यों कह रही हैं? इनमें से कोई भी नहीं है, ये तो सोशल वर्कर हैं, आपके बात कर रही हैं आप। हम आप हाँ ये मैं हम ये सवाल हमारा ये तो इसको लेकिन पार्टी पोलिटिकल पार्टी नहीं नहीं ये सोशल एक्टिविस्ट है और ये बहुत अच्छे से महिलाओं के लिए काफी संघर्ष कर रही हैं। और मैं निवेदिता जी आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि क्यों ये पॉलिटिकल कारण क्या बनता है? राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं आ रही है, ये पॉलिटिकल इश्यू है सर। पॉलिटिक्स भी समाज में ही होती है, राजनीति भी समाज। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन क्या रेप विक्टिम्स को हम उसका आधार बनाएंगे? क्यों नहीं, अगर समाज की ये ज्वलंत समस्या है तो उस समय सारी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे और जो भी पार्टी हो, उस सबको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जनता, जो कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व के यहाँ पर आई हुई थी, सड़कों पर निकली हुई थी, सिर्फ कैंडल मार्च ही नहीं, उस समय कांग्रेस ने क्या किया था, उन पर आंसू गैस के गोले छुड़वाए, उन पे लाठी चार्ज करवाए प्रदर्शनकारियों पे। क्यों इसकी जरूरत? कानून किसने बनवाया? कानून भी यूपीए 2 की गवर्नमेंट के अंदर बना है। अगर आईपीसी में घटना के बाद में निवेदिता जी, उस वक्त घटना जब हुई, घटना के बाद में कई तब्दीलियां भी हुई हैं। खैर देखिए, सवाल ये नहीं है कि उस वक्त क्यों हुआ, ये घटना क्यों हुई, ये तो कोई वजह नहीं है। घटना कभी भी हो सकती है। आज भी बहुत माइनर्स के साथ में रेप केसेस हो रहे हैं, तो ये कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट बीजेपी के इसी वजह से घटनाएं हो रही हैं। सवाल आप नहीं समझ रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के केसेज हैं, ये कि ड्यूटी नहीं समझते हैं कि हम सभ्य समाज में निवास कर रहे हैं और अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से पुलिस को और समाज के हर तबके को सेंसिटाइज करने का काम किया है जी, और जो पूरी तरह से महिला स्क्वाड लगाई गई, यहाँ तक कि सीआईडी में भी महिलाओं के लिए स्पेशल सेल बनवाया गया है जिसमें महिलाएं जो है वो महिलाओं के केसेस को देख रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं, और इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई है। आप भामाशाह योजना को ही देख लीजिए, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर महिलाओं के खाते में सीधे सरकारी खाते की बात मत कीजिए या बलात्कार दुष्कर्म की बात। सवाल दोष रहा है आप, उसमें लेके जाइए घटनाएं रुक रही हैं, सकारात्मक घटनाएं रुक रही हैं, उससे सरकार ने प्रिवेंटिव कदम भी उठाए हैं और सकारात्मक तरीके से भी महिलाओं को सशक्त करने का काम पूरे जोर शोर से किया है। चलिए आपको एक मैं आंकड़ा देना चाहूंगा, शायद हो सकता है कि आपकी जानकारी में नहीं होगा। सुमन जी आपका स्वागत करता हूं, मैं आप आए हूं और एक ऐसा रिलेवेंट इश्यू है, बहस का मुद्दा नहीं है, जरूरत इस बात की है कि एक मैसेज जाना चाहिए और ये वो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है। अभी निशा जी के साथ में चर्चा कर रहे थे एक वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने जानकारी दी कि पिछले एक साल में 2015 के केस हैं, 2015 में 86 केस रेप के दर्ज हुए और 86 के 86 बरी हो गए, आपकी शायद नोटिस में हो। जयपुर जिला, जयपुर जयपुर की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए किस स्थिति में बरी हुए, इसकी गहराई में अपने को जाने की आवश्यकता है, किस प्रकार के केस दर्ज हुए, किस परिस्थिति में केस दर्ज हुए। अगर इन टोटेलिटी में हम सारे आंकड़ों को चेक करते हैं, क्योंकि महिला आयोग में जब मैं गई और जिस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के हमारे सामने आए गांव और ढाणियों में जाने के बाद, दो प्रकार की चीजें एकदम स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगी कि घटना के आंकड़े, पहले तो आंकड़ों को देख के हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, तो इसके पीछे एक ये भी बात रखी जा सकती है या समझी जा सकती है कि आंकड़े यदि दर्ज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक व्यवस्था है जो मजबूती की ओर बढ़ रही है। पहले ये चीजें होती थी कि आंकड़े दर्ज ही नहीं होते थे, तो उन आंकड़ों से बहुत हड़बड़ा जाना और बहुत चिल्लाना कि साहब इतने आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, मुझे लगता है ठीक नहीं है। आंकड़े दर्ज होने के बाद दूसरा स्टेप हमारा होता है कि डिस्पोजल कितना हो रहा है, समाधान कैसे हो रहा है, FIR कितने में लग रहे हैं, डिस्पोजल उसको किस तरह से किया गया। तो कई जगह तो पुलिस वालों की कई घटनाओं में बहुत लापरवाही भी देखने को मिलती थी कि जल्दी से उसमें FIR लगा दिया, सुनवाई नहीं की, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिया। तो उन सब चीजों के लिए जब आयोग के पास ऐसी जानकारी आती थी तो हम लोग उसको दोबारा, इस प्रकार के केसेस को हम लोग रीओपन भी करवाते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं। देखिए इसमें दो स्तर पे सोचने की जरूरत है, एक सामाजिक स्तर पे भी सोचने की जरूरत है और एक हम लोग की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि FIR की हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। हमने ये भी आंकड़े इस राज्य में देखे हैं और इस जिले में देखे हैं कि इतने FIR दर्ज हुए
और इतने को विड्रॉ कर लिया गया, उसके पीछे भी अपने को जाना पड़ेगा कि एफआईआर क्यों हुए और विड्रॉ क्यों हुए। तो मैं जिस ओर इशारा कर रही हूँ, हो सकता है आप लोग समझ रहे होंगे। तो कुल मिला के मैं ये इस भाव को रख के ये नहीं कहना चाहती हूँ कि महिला एट्रोसिटीज में राजस्थान बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है कि एट्रोसिटीज कम हो गई है। घटनाएं जरूर हो रही हैं, हम इसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन घटनाओं को प्रभावी तरीके से रोकने के प्रयास भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा छोटा सा सवाल है। इस केस से, केस और इसका जो डिसीजन है, इससे कोई मैसेज आएगा? केस से तो हमें देखो एक मैसेज लग रहा था, घटना हुई बहुत ही दुखद घटना थी और कहें कि अपराध की एक सुनामी थी, लेकिन उस घटना से एक मैसेज गया पूरे देश में कि जो महिलाएं खड़ी बिना किसी नेतृत्व के, वो एक चिराग की तरह ऐसे एक ज्योति जली कि लोग अपने आप ही खड़े होते रहे। और ये एक मैसेज गया उन नुमाइंदों के लिए भी जो महज एक बस चलती बस में है, चलते रास्ते महिलाओं को एक छेड़छाड़ के लिए बस एक यू मान के चलते हैं कि कह सकते हैं ये क्या कर लेंगे, कुछ कहती नहीं है, वो कमजोरी मान के चलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अक्सर हम सुनते हैं, बस में भी सुनते हैं, रास्ते में सुनते हैं, अगर कोई कहता है तो घूर के लड़की देखती है, उसका काफी होता है। बहुत सारी घटनाएं, अभी कुछ दिन पहले उबेर के कैब का जो घटना था गुड़गांव में, घटना हुई लेकिन उस बच्ची ने हिम्मत दिखाई और उसे भी उस अंजाम तक पहुंचाया जो उसका असर होना चाहिए था। तो एक अवेयरनेस हमें दिखता है, लेकिन इस फैसले के बाद में कुछ आपको लगता है, आप लोग भी डिसीजंस देते हैं, कुछ एक मैसेज जाएगा समाज में? देखिए बहुत बड़ा संदेश जाएगा, देश के 125 करोड़ की जनता के मन में बहुत सारे सवाल थे, विशेषकर महिलाएं बहुत डरी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को कैसे लेता है, इसको एज इट इज स्वीकार करेगा या, क्योंकि बहुत तरह की बातें चली थी जो सपोर्ट में थे उन क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल ही कहती हूँ उन लोगों को, कि भाई इनको सिंपेथाइज वे में देखा जाए, इनको मौका दिया जाए, इनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप सही तरीके, इस तरह की दलीलें जब सामने आ रही थी तो बहुत घबराहट हो रही थी। तो हमने, हम सब लोग आज टीवी पे टकी टकी लगाए बैठे हुए थे कि क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद देखिए, एक नजीर जब तक आप पेश नहीं करेंगे तब तक आप कोई संदेश नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि निर्भया जैसी तमाम वो लड़कियां जो इस प्रकार की घटना को झेलती हैं, जीते जी वो जिंदा लाश हो जाती हैं। निर्भया तो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन कई ऐसी कहानियां हैं, किस्से हैं हमारे बीच में जो जिंदा लाश के रूप में रहती हैं और उनका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। 5 साल इस ट्रायल में लगा और इस रिजल्ट तक पहुंचने में लगा, लेकिन अब मैं कहती हूं कि देश या हम लोग सब लोग इससे खुश हैं, लेकिन तब ज्यादा खुशी होगी कि कोई फिर मर्सी, मतलब राष्ट्रपति के पास कोई मर्सी पिटीशन नहीं लगा दे कि इसको भी जैसे कसाब एंड ऑल में लगता रहा। चलिए देखिए, वो एक राइट है हमारे, क्योंकि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिस्टम बना हुआ है, इसकी एक आवाज थी, इस आवाज को जुडिशियरी सिस्टम ने सुना। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि जनमानस की आवाज का उन्होंने आज सम्मान किया है, अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सुमन जी। देखिए दूसरी बात है, ये न्याय और संविधान भावुकता से भी नहीं चलता है, बिल्कुल एक अधिकार मिला हुआ है, मानव अधिकार जिसे हम जोड़ करके देखते हैं, वो एक कभी कोई इतिहास में अगर ये बात उठती है तो कोई नहीं कह सकता है कि एक अंतिम जो मर्सी चांस था वो उनको नहीं मिला। अगर राष्ट्रपति के पास में भी जाता है तो एक प्रक्रिया है, अगर उसके बाद में कोई मुझे क्यों, मैं आपसे जानना चाहूंगा निशा जी, लगता है आपको कि देखिए न्याय है, हम बहुत खुश हैं आज कि उस दरिंदगी की सजा आज मिल रही है और हम देख भी रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक चांस जो वास्तव में एक अधिकार के रूप में है, संवैधानिक अधिकार है, क्या उससे खारिज किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हमारे अपने देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में ऐसी ही परिस्थिति में फंसा होता है, हम तब भी मानवाधिकारों की बात करते हैं। सीडर्स की जो संधि है, खासतौर पर महिलाओं के मामले में, महिलाओं के जो मानवाधिकार हैं, जो 1975 के अंदर हमारे देश ने उस मंच के, विश्व मंच के ऊपर एक वादा किया कि हम अपने देश के अंदर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे, उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित रखेंगे, निश्चित तौर पर उसकी पालना होनी चाहिए। यहां चूंकि रेयर टू रेयरेस्ट अपराध हुआ है, तब भी जो संविधान के दायरे में है, जो कहा गया है, उसका उल्लंघन कतई नहीं होना चाहिए। जो स्टेप है, अगर फांसी की सजा होनी है तो वो तथ्यों के आधार पे होनी है, अगर उनके विरुद्ध सारे साक्ष्य हैं तो वो होनी ही होनी, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उनका अगर ये अधिकार है कि उनको ये अपील में जाना चाहिए तो निश्चित तौर पे वो प्ली होनी चाहिए। तो लेकिन एक छोटा सा सवाल और मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि चलिए फैसला हुआ है, पूरे देश में एक मैसेज था, और मुझे लगता है कि नजीर जो होती है वो दोषियों में एक भय भी देती है, एक मैसेज जाता है उससे कि अगर ये घटना होगी तो उसका असर ये भी होता है, हर पहलू को आदमी सतोल के चलता है। अब जरूरत किस बात की है कि क्या लगता है आपको कि अभी भी जो एक कमजोर कड़ी अगर हमारी व्यवस्था की, या फिर हम कहें कि ये होना बाकी है, काश ऐसा भी हो। जी निशा जी,
बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मुझे दर्द है। या सुमन जी, हम लोग बहुत बार बहुत सारे सवालों को लेकर साथ मिलकर काम करते हैं जी, तो जी, जी। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जिन बेटियों ने इस 5 साल के पीरियड के अंदर अपनी जान गंवाई है, चाहे दुष्कर्म की वजह से उनकी जान गई, उन दरिंदों ने ली, या सामाजिक दबदबा इस तरह से दबाव था तो उससे दुखी होकर उसने अपने प्राण दे दिए, तो वो बेटियों को भी शायद उनकी आत्मा को आज शांति मिलेगी कि आने वाले समय होना क्या चाहिए, अभी होना क्या चाहिए, समाज से क्या उम्मीद करते हैं। निश्चित तौर पे मैंने जैसा पहले मैं बात कर रही थी कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्र में ऐसे कानूनों का भी प्रचार प्रसार करें, साथ में ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बेटा ऐसा अपराध ना करे तो रोक लग जाएगी, यदि उसको हम वोट बैंक की तरह रखेंगे तो नहीं होगा। कानून बनना, कानून को इम्प्लीमेंट करना ही सफिशियंट नहीं है, जागरूकता जब तक नहीं होगी, जब तक मुझे लगता है कि ये व्यर्थ होगा, और जरूरत इस बात की है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई भी हो, एक ड्यूटी बनती है हमारी, मॉरल ड्यूटी के नाते हमें इसे लेना चाहिए। मैं निवेदिता जी आपको और सुमन जी एक एक मिनट का वक्त दूंगा और समय बहुत कम है, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अब होना क्या चाहिए। देखिए ये जो नजीर पेश हुआ है ये अपने आप में उदाहरण बनेगा, इससे क्या होगा कि तमाम माताएं या तमाम जो बहनें हैं उनको ये लगेगा कि इस देश में कानून है, कानून में विश्वास जमा है, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कुछ भी कोई कर जाए इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है, उनका मनोबल बढ़ेगा तो अपराधियों के मनोबल में गिरावट आएगी, ये दो चीज इतने आवश्यक थी, तो स्वाभाविक रूप से अपराधियों में भय और खौफ होगा तो परिणाम अपने आप मिलेगा कि वो लोग ऐसी घटना को अंजाम नहीं देंगे, और जन जागरण ये सारी चीजें सब चीज ठीक है, लेकिन कानून में त्वरित गति से जो संदेश होना चाहिए था वो हुआ है और मुझे लगता है कि जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैडम आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आप ही समाज के नागरिक पहले हैं, अब उम्मीद क्या की जानी चाहिए समाज को कि अभी इस फैसले के बाद में हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या कर सकते हैं। योगेश जी, समाज में सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा महिलाओं के अपराधों के प्रति, इससे हमें हर स्तर पर महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, जो महिला उत्पीड़न के केसेस होते हैं, उनको निपटने के लिए हर स्तर पर हर एक नागरिक को करना पड़ेगा प्रयास, और इसके लिए राजनीतिक स्तर पर तो हो ही रहा है, प्रशासनिक स्तर पर भी किया जा रहा है, पुलिस के स्तर पर किया जा रहा है, मगर धार्मिक स्तर पर भी एक कहते हैं कि आंदोलन की जरूरत है इसमें, क्योंकि बहुत सी रूढ़ियां जो है समाज उनमें जकड़ा हुआ है और उनसे समाज को स्वयं प्रयास करके बाहर निकलना होगा। सही फरमा रहे हैं आप लोग, तो चले जरूरत अब इस बात की केवल फैसले पे ताली पीटने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नजीर है, और नजीर इस बात की है कि हमें जागरूक भी होना जरूरी है, और हम एक अपील भी करेंगे कि उन बच्चियों से, उन बहनों से, उन महिलाओं से कि वास्तव में इस तरह की घटना है उसे पी करके नहीं जाएं, उसका जवाब वहीं पे दें, ब्लैकमेलिंग हो चाहे घटना है उसे पहले दिन ही जवाब दिया जाना चाहिए, हम उसको महज ये समझ करके कि छोड़िए छोड़ना नहीं है, जब तक आप मुकाबले के लिए खड़े नहीं होंगे तो कानून या फैसले भी बेकार होंगे, ये एक हमें संबल प्रदान करते हैं और ये लगते हैं कि हमें मजबूती देते हैं कि अगर कोई नहीं है तो उसका न्याय जरूर होता है, और विलंब से सही लेकिन न्याय जरूर होता है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साबित भी किया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।